हेलो एवरीवन, क्लास ट्वेल्थ RBSC विषय हिंदी। बेटा प्रीवियस क्लास में चैप्टर चल रहा था सत्य के प्रयोग में, ठीक है। से आगे मैं आपको आज करा रही हूँ। अब तक हमने क्या पढ़ा कि गांधी जी ने सत्य के प्रयोग के लिए, ठीक है, गांधी जी ने सभ्य बनने के लिए बहुत से प्रयोग किए, ठीक है, उन्हीं का यहाँ वर्णन किया गया है। देखिए, इंग्लैंड में रहकर गांधी जी को सभ्य बनने की ऐसी धुन सवार हुई थी कि उन्होंने अपनी आर्थिक सामर्थ्य से बाहर जाकर अनेक प्रकार के प्रयोग करने आरंभ कर दिए थे। गांधी जी ने अपनी पोशाक में ही आमूलचूल परिवर्तन किया। सभ्यता के बाहरी गुण जानने के लिए नृत्य सीखना, वायलिन बजाना सीखना, लच्छेदार भाषण देना देने की कला, अलग अलग अध्यापकों के यहाँ जाने के प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ही गांधी जी बालों में पट्टी लगाकर सीधे मांग भी निकालने लगे। दोनों जेबों में लटकाने लायक सोने की एक बढ़िया चेन मंगवाई और टाई बांधने की कला, हस्तकला, इन प्रयोगों के माध्यम से उनके सभ्य बनने के प्रयोग पता चलते हैं। तो देखिए, इस पाठ में गांधी जी ने एक आत्मकथा अंश में गांधी जी के चरित्र की कई विशेषताएं सामने आई। देखिए, अन्नहार के प्रति श्रद्धा, ठीक है, फिर गांधी जी की सभ्य बनने की धुन जो उनको सवार होती है, ठीक है। अब इसमें क्या भी आपने क्या पढ़ा, से पूर्व में मैंने आपको पढ़ाया गांधी जी का अन्नहार के प्रति गांधी जी की श्रद्धा, फिर मांसाहारी मित्रों के का चिंतन में उनका प्रयास। अब आता है आपका नेक्स्ट, बलवान से भिड़ंत, ठीक है। अब एशियाई अधिकारियों की ओर गांधी जी लौटे। एशियाई अधिकारियों का सबसे बड़ा थाना जो था वो था जोहानिसबर्ग में था। मैं ये देख रहा था कि उस थाने में हिंदुस्तानी चीनी आदि रक्षण नहीं बल्कि भक्षण होता था। तो रक्षण रक्षा करने वाले, भक्षण अहित करने वाले। मेरे पास रोज़ शिकायतें आती, हकदार दाखिल नहीं हो सकते और बिना हक वाले 100-100 पौंड लेकर चले जा रहे हैं। इसका इलाज आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। मेरा भी यही भावना थी, यदि यह चनांग दूर न हो तो मेरा ट्रांसवाल में बसना व्यर्थ माना जाएगा। मैं प्रमाण जुटाने लगा। अब मेरे पास प्रमाणों का अच्छा सा संग्रह हो गया तो मैं पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा। मुझे लगा कि उसमें दया और न्याय की वृत्ति है। मेरी बात को बिल्कुल अनसुनी करने के बदले उसने मुझे धीरज से सुना और प्रमाण उपस्थित करने को कहा। गवाहों के बयान उसने स्वयं ही लिए। उसे विश्वास हो गया कि जिस तरह मैं जानता था उसी तरह वह भी जानता था कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे पंचों द्वारा गोरे अपराधियों को दंड दिलाना कठिन है। उसने कहा, फिर भी हम प्रयत्न तो करेंगे। ऐसी अपराधी जूरी द्वारा छोड़ दिए जाने इस डर से उन्हें न पकड़वाना भी उचित नहीं है, इसलिए मैं तो उन्हें पकड़वाऊँगा। आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि अपनी मेहनत में मैं कोई कसर नहीं रखूँगा। कौन कह रहे हैं? गांधी जी। मुझे तो विश्वास था कि दूसरे अधिकारियों पर भी संदेह तो था, पर उनके विरुद्ध मेरे पास कमज़ोर प्रमाण था। दो के बारे में कोई संदेह नहीं था, अतः दो के नाम वारंट लिए। मेरा आना जाना छिपा रह ही नहीं सकता था। कई लोग देखते थे कि प्राय प्रतिदिन पुलिस कमिश्नर के यहाँ जाता हूँ। इन दो अधिकारियों के छोटे बड़े जासूस तो थे ही, वे मेरे दफ्तर पर निगरानी रखते और मेरे आने जाने की खबरें उन अधिकारियों को पहुँचाते थे। यहाँ मुझे ये कहना चाहिए कि वक्त अधिकारियों का अत्याचार इतना ज़्यादा था उस समय कि उन्हें ज़्यादा जासूस नहीं मिलते थे। यदि हिंदुस्तानियों और चीनियों की मुझे मदद न होती तो मैं
अधिकारी पकड़े ही न जाते। इन दो में से एक अधिकारी भागा। पुलिस कमिश्नर ने बाहर का वारंट निकालकर उसे वापस पकड़वाया। मुकदमा चला। प्रमाण की मजबूत थे। एक तो भागने का प्रमाण जूरी के पास पहुंच चुका था, फिर दोनों छूट गए। मुझे बड़ी निराशा हुई। पुलिस कमिश्नर को भी दुख हुआ। वकालत से मुझे अरुचि हो गई। बुद्धि का उपयोग अपराध को छिपाने में होता देखकर मुझे बुद्धि ही अप्रिय लगने लगी। जब ये लगा कि पैसे के बलबूते पर, ठीक है, किस तरीके से उन्हें छोड़ दिया गया। गांधी जी क्या कह रहे हैं कि तब मुझे कमिश्नर को भी दुख हुआ। वकालत से मुझे उस समय मेरी रुचि हट गई कि बुद्धि का उपयोग अपराध को छिपाने के लिए होता है देखकर मेरी बुद्धि अप्रिय हो गई। दोनों अधिकारियों का अपराध इतना प्रसिद्ध हो गया था कि उनके छूट जाने पर भी सरकार उन्हें रख नहीं सकी। दोनों बर्खास्त हो गए। एशियाई विभाग कुछ साफ हुआ। अब हिंदुस्तानियों को धीरज बंधा और उनकी हिम्मत भी बढ़ी। इससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गई, मेरे धंधे में वृद्धि हुई। हिंदुस्तानी समाज के तो सैकड़ों पोर्ट हर महीने रिश्वत में जाते हैं, उनमें बहुत कुछ बचत हुई। यह तो नहीं कहा जा सकता कि पूरी रकम बची। बेईमान तो अब भी रिश्वत खाते हैं, पर यह कहा जा सकता है कि प्रमाणिक थे, वे अपनी प्रमाणिकता की रक्षा कर सकते थे। मैं कह सकता हूँ कि इन अधिकारियों के इतने अधम होने पर भी उनके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में कुछ भी नहीं था। मेरे इस स्वभाव को वे जानते थे। अब उनकी कंगाल हालत ने मुझे मदद करने को का मौका मिला तो मैंने उनकी मदद भी की। किसने मदद की? गांधी जी ने। यदि मेरा विरोध न हो तो उन्हें जोहानिसबर्ग की म्युनिसिपॉलिटी में नौकरी मिल सकती है। उनका एक मित्र मुझे मिला और मैंने उन्हें नौकरी दिलाने में मदद करना मंजूर कर दिया। उन्हें नौकरी मिल भी गई। मेरे इस कार्य का यह प्रभाव पड़ा कि मैं जिन गोरों के संपर्क में आया वे मेरी तरफ से निर्भय रहने लगे। और यद्यपि उनके विभागों के विरुद्ध मुझे लड़ना पड़ता था, तीखे शब्द कहने पड़ते थे, फिर भी वे मेरे साथ ही मधुर संबंध बनाए रखते थे। इस प्रकार का बर्ताव मेरा एक स्वभाव ही था। इसे मैं उस समय ठीक से जानता नहीं था। यह तो बाद में समझने लगा कि ऐसे बर्ताव में सत्याग्रह की जड़ मौजूदा है। यह अहिंसा का एक विशेष अंग है। मनुष्य और उसका काम, ये दो भिन्न वस्तुएं हैं। अच्छे काम के प्रति आदर और बुरे के प्रति तिरस्कार होना चाहिए। गांधी जी ने क्या कहा कि मनुष्य के अंदर, ठीक है, मनुष्य को उसका काम की ये दो भिन्न वस्तुएं हैं। हमें अच्छे काम करने वाले के प्रति, ठीक है, अच्छे काम करने वाले का आदर करना चाहिए और बुरे के प्रति उसका तिरस्कार भी होना चाहिए। भले बुरे काम करने वाले के प्रति सदा आदर अथवा दया रहनी चाहिए। यह चीज़ समझने में सरल है, पर इसके अनुसार आचरण कम से कम होता है। इस कारण इस संसार में विष फैलता जा रहा है। कौन कह रहे हैं? गांधी जी क्या कह रहे हैं कि हमें हमेशा कार्य अच्छे करने चाहिए। अच्छे काम के प्रति हमारे हृदय में दूसरे के लिए आदर होना चाहिए, बुरे कार्य के प्रति हमारे मन में तिरस्कार होना चाहिए। ठीक है, इसी कारण इस संसार में विष फैलता आया है। सत्य के बोध के मूल में ऐसी अहिंसा में प्रतिशन यह अनुभव करता हूँ कि जब तक यह अहिंसा हाथ में नहीं आती तब तक सत्य मिल ही नहीं सकता। व्यवस्था या पद्धति के विरुद्ध झगड़ना शोभा देता है, पर व्यवस्थापक के विरुद्ध झगड़ा करना तो अपने विरुद्ध झगड़े के बराबर है, क्योंकि हम सब एक ही कूची के रचे हैं, एक ही ब्रह्मा की संतान हैं। व्यवस्थापक में अन्य शक्तियां निहित हैं। व्यवस्थापक का अनादर या तिरस्कार करने से उन शक्तियों का अनादर होता है। वैसे होने पर
व्यवस्थापक को और संसार को हानि पहुंचती है। ठीक है बेटा, इसके बाद देखिए आत्मिक शांति। आत्मिक शांति क्या है बेटा? आत्मिक शांति गांधी जी ने बताया, आत्मिक शांति देखिए सत्य के प्रयोग में आत्मकथा अंश में आत्मिक शांति। आत्मिक शिक्षा से संबंध में गांधी जी का मानना था कि विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा उनकी आत्मा शिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। गांधी जी ये मानते थे कि व्यक्ति मुखी, ठीक है, गांधी जी का मानना था कि विद्यार्थियों के बच्चों के शरीर और मन को शिक्षित करने के बजाय हमें उनकी आत्मा को पवित्र करना है। ठीक है, हमें उनकी आत्मा को शिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में बताया कि मैंने टॉलस्टॉय आश्रम में बालकों के प्रति इसी बात का प्रयास किया, क्योंकि आत्मा का विकास करने का अर्थ चरित्र का निर्माण करना है, ईश्वर का ज्ञान पाना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है। आत्मज्ञान होते ही इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बालकों की बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है, और इसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है, हानिकारक भी हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने सुना कि लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि आत्मज्ञान चौथे आश्रम में होता है, लेकिन जो लोग इस अमूल्य वस्तु को चौथे आश्रम तक मुतवली रखते हैं वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते, बल्कि बुढ़ापा और दयाजनक बचपन पाकर पृथ्वी पर भार रूप बनकर जीते हैं। इस प्रकार का सार्वत्रिक अनुभव पाया जाता है। ठीक है, संभव है कि सन 1911-12 में इन विषयों पर इस भाषा में न रखता, पर मुझे ये अच्छी तरह याद है कि उस समय मेरे विश्वास इसी प्रकार के, गांधी जी क्या कह रहे हैं, उस समय मेरे विचार इसी प्रकार के थे। ठीक है, आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए? अब ये कि बच्चों को आत्मिक शिक्षा मिलनी चाहिए, अब ये आत्मिक शिक्षा देनी किस प्रकार चाहिए बच्चों को? ठीक है, मैं बालकों से भजन गवाता, उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़ाता, किंतु इससे मुझे संतोष नहीं होता। जैसे जैसे मैं उनके संपर्क में आता गया, मैंने ये अनुभव किया, गांधी जी क्या कह रहे हैं कि मैंने यह अनुभव किया कि ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता। शरीर की शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक कसरत द्वारा दी जा सकती है, उसी प्रकार बुद्धि की बौद्धिक कसरत द्वारा उसी प्रकार बुद्धि की बौद्धिक कसरत द्वारा उसी प्रकार आत्म की शिक्षा आत्मिक कसरत द्वारा दी जा सकती है। आत्मा की कसरत शिक्षक के आचरण द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अतएव युवक हाजिर शिष्यों की आत्मा को हिला सकता है। मैं स्वयं झूठ बोलूं तो अपने शिष्यों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूं तो वे व्यर्थ ही है, डरपोक है। शिक्षक शिष्यों को वीरता नहीं सिखा पाता। मैंने देखा कि मुझे अपने पास रहने वाले युवकों और युवतियों में सचमुच पदार्थ पाठ सा बनकर रहना कठिन है। इस कारण मेरे शिष्य मेरे शिक्षक बने। मैं ये समझता हूँ कि मुझे अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए अच्छा बनना है और रहना है। अतएव कहा जा सकता है कि टॉलस्टॉय आश्रम का मेरा अधिकतर संयम इन युवकों और युवतियों की बदौलत ही रहा। ठीक है बेटा, आज इतना ही पढ़ेंगे। जितना पढ़ा है इसको बुक से रीड कर लेना, ओके, और इस वीडियो को सुन लेना, और वर्क अपना प्रॉपर रखो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।